हम आ गए हैं द चंपार हाउस में और यहाँ पर हम देख रहे हैं हांडी मटन बनने जा रहा है हमारा। तो चलिए देखते हैं इनका बनाने का तरीका, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर मतलब जो सेटिंग है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था कराई गई है, कितनी ज्यादा अच्छी कराई गई है आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, आ जाइए। छोटा सा मतलब बना रखा है यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, जो है बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही प्यारी बना रखी है। मैंने तो अभी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा, अगर आपने कभी देखा होगा तो हमें जरूर बताइएगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब लाइट देखें आप कितना प्यारा यहाँ का व्यूज लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है, हमको तो बहुत प्यारा लग रहा है ये। आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर बैठने की व्यवस्था कैसी दी गई है, ये देखें, देखिए पूरा मिट्टी है, मिट्टी से है और ये ऊपर मतलब झोपड़ी टाइप का बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये लग रहा है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, प्यारा लग रहा है। चलिए हम आपको और भी दिखाते हैं आगे चलकर, जितने हैं सब ऐसे ही बने हैं और इधर भी है बैठने की व्यवस्था, इधर भी कर रखी है और कुछ लोग हैं अभी डिनर कर रहे हैं यहाँ पर, और एक इधर भी है, सेम टू सेम है। और मेरे को तो सबसे अच्छा जो अभी तक यहाँ का लगा, मेरे को ये बहुत प्यारा लगा, यहाँ के फ्लावर्स हैं मतलब बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैं एक बार यहाँ पर भी आके देखना चाहती हूँ और यहाँ पर फोटोज भी क्लिक कराऊंगी, ये देखें। तो हमने आपको यहाँ का सेटअप दिखा दिया है, बैठने की जैसी व्यवस्था है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही यूनिक लग रहा है। मैं तो ऐसे ही रास्ते में जा रही थी तो मैंने अचानक से देखा, इतना प्यारा ही लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो एक बार यहाँ पर विजिट जरूर करें। तो चलिए दिखाते हैं आपको हम इनका बनाने का तरीका। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इसमें? अब इसमें आप तेल पड़ेगा, अभी सरसों का तेल रहेगा, वो भी पहले से ही गर्म किया हुआ पका हुआ तेल, पहले से पका के रखते हैं। क्यों पहले से ही गर्म? इसलिए किया जाता है कि जो होता है पहले जो उसमें कीटाणु वैसे होते हैं उससे पहले ही मर जाते हैं, इसमें एक्चुअली पक नहीं पाता है। अच्छा, सरसों का पका हुआ तेल जी। कितना बनने जा रहा है हमारा? एक केजी का चिकन आहुना। चिकन आहुना चिकन आहुना है। कितने टाइम से आप काम कर रहे हो? हमने अभी 3 से 4 महीने। इसके पहले भी करते रहेंगे? इससे पहले तो हम यहीं पे आए, नए फिलहाल हमारे जो गुरु थे जो हमारे यहाँ के सेफ होते हैं। ये जावित्री, काले मिर्च, जावित्री, छोटी इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, तेज पत्ता, मतलब सारे ड्राई मसाले ऐसे ही जाएंगे। लौंग, बस इतने ही। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें सारे मसाले ऐड किए जा रहे हैं ड्राई। ये सब पहले ही करके रख लेते होंगे ना? टाइमिंग क्या है यहाँ की? यहाँ टाइमिंग है सुबह 11 बजे से, और होना ये हांडी जो है वो 1 बजे के बाद। वैसे ज़्यादा यहाँ पर सेल क्या होता है? सेल यही ज़्यादा बहुत स्लो फ्लेम पर, बिल्कुल स्लो आज में। तो मसाले यहाँ पर हो गए हैं? मसाले हो गए हैं, अदरक पेस्ट, अदरक का पेस्ट, सही, लहसुन का पेस्ट ऐड करने जा रहे हैं। कितना किसा ऐड किया आपने? थोड़ा सा अदरक है और 2 चम्मच लहसुन। कितनी देर पकाएंगे इसे? अभी चाहिए 2 मिनट पकाएंगे। अभी क्या है? ये कश्मीरी मिर्च है, ये मिर्चा, ये क्या ऐड कर रहे हैं? अभी मसाला है जो खुद का बनाया हुआ। अच्छा, ये होम मेड है, मतलब आपकी सीक्रेट रेसिपी है? मेन यही है। अच्छा, मेन यही है आपका, आप बनाते हो? हाँ, खुद ही बनाते हैं। अच्छा, सारे मसाले नमक वमक सब एक साथ ही? जी, एक साथ ही। मसाले ऐड करके कितनी देर पका रहे हैं आप इसे? इसे फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा पकने के लिए। 5 मिनट के लिए? वैसे टोटल कितना टाइम लगता है? 1 घंटा पूरा टोटल। 1 घंटा लगता है। तो ये जो आपकी हांडी है तो एक बार इसमें पकाया जाता है? बस एक बार की बार, फिर उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, दोबारा नहीं पका सकते? दोबारा नहीं पका। अब इसे ढक कर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए हैं और अब इसे ओपन करने जा रहे हैं और इसको फिर से चलाएंगे, और इसके बाद? अब इसके बाद जाएगा इसमें प्याज, पहले से हुआ पका हुआ प्याज भी पहले से पका हुआ है। ये ऑयल में ही पकाया गया है? नहीं नहीं, पानी में, कुकर में पका हुआ। अच्छा, कुकर में। कितनी सीटी में पकाई जाती है ये? 14 से 15 सीटी। 14 से 15 सीटी, ओके। कितनी इसमें अनियन कितना आपने डाला है?
अब इसमें आधा किलो का, आधा किलो होता है। अब इसे पकाएंगे, अब इसे पकाएंगे। कितनी देर तक पकाएंगे इसे? अभी से अभी 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट के लिए अनियन को पकाएंगे, ढक के। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया जाएगा, राइट? तो गाइस 10 मिनट हमारे यहाँ पर हो गए हैं। अब इसमें ऐड किया जा रहा है चिकन, और चिकन को कितनी देर तक अभी से पकाया जाएगा? अभी से आधा घंटा, 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए आप ऐसे ढक के रखोगे, चलाते रहना है। बीच में चलाना है, ओके। कितना है? 12 पीस। 12 पीस का, 1 किलो का बन रहा है, 12 पीस आपका आता है। मसाले मतलब खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है सीरियस की, अभी से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। अभी से 30 मिनट के ऐसे ही पकाया जाएगा। इसमें 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। मैं पाती में बहुत अच्छी आ रही है। पूछना हो टेम्परेचर कर लो, प्रेस ऑन कर लो, सही आएगा।